नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि क्यों आप रास्ते से भटक जाते हैं, मतलब गोल जो भी टारगेट करते हैं उससे कैसे आप डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। इसके बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे सीखने का कोशिश करेंगे और मोटिवेट भी होंगे। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बताते हैं कि हमको फ्रेंड नहीं मिल रही है, कोई GF नहीं बन रही है। तो मैं ऐसे छात्र को कहना चाहूँगा कि जो लोग आप देख रहे हो कपल को, वो लोग कितने मस्ती कर रहे हैं, उन सब का फ्यूचर देखो। कुछ समय के लिए अकेले बैठ जाओ और उनका लाइफ को रिलेट करके खुद की लाइफ रिलेट करो कि मैं 5 साल के बाद वो क्या करेगा और मैं क्या करूँगा। इसके बारे में जरूर सोचो, तब पता चलेगा कि कितना हम खुशहाली हैं अकेले रहकर दूसरों के कंपेरिजन में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कपल रहे हैं लेकिन कुछ सालों के बाद वो तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपने गोल पर फोकस नहीं कर पाया। वो इसी चक्कर में रहा कि हमारा जो फ्रेंड है उनका हर मैसेज देखते रहे, उनके साथ घूमते फिरते रहे, उनसे बात करते रहे, बस उन्हीं के ख्यालों में खोया रहता था। लेकिन आप अकेले थे, आप इन सब गलत चीज़ों में नहीं पड़े, आप अपने गोल के प्रति पूरा एकदम कॉन्फिडेंस लेवल के साथ काम कर रहे थे, मेहनत के साथ, डेडिकेशन के साथ, पेजरवेंस के साथ आप मेहनत करते जा रहे थे, करते जा रहे थे। अपने गोल को एक दृष्टि से देख लिए थे कि हम उस गोल को प्राप्त करेंगे। फिर जाकर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद जब सक्सेस अचीव होगा, उसके बाद हम ये गाड़ी खरीद सकेंगे, ये बंगला खरीद सकेंगे, ये घर बनवा लेंगे। इस तरह के आपके मन में विचार चलते रहे होंगे। आ ये विचार तब सत्य होगा जब आप उस ड्रीम को पाने के लिए हर रोज दिन रात पढ़ रहे होंगे, अपना समय को मूल्यवान समझ रहे होंगे, डेडिकेशन के साथ काम कर रहे होंगे, अपना जो पेशेंस होता है, धैर्य जिसे बोलते हैं, उसको आप हमेशा अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते रहे हैं, तब जाकर आपको सक्सेस मिलेगी। मैं ऐसे छात्र को हम हमेशा कहना चाहूँगा, जो भी लोग जो अकेले हैं वो उनको हम कहेंगे कि आप अच्छे हैं कि आपके पास से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, क्योंकि जानते ही हैं जो जिसके पास भी गर्लफ्रेंड रहा है उनका करियर बर्बाद हो गया है। कोई किसी भी इतिहासकार को देख लीजिए, कोई भी इतिहास का किताब पढ़ लीजिए, उसमें बताया गया है जो भी एक्स प्रेम किया है वो कभी सक्सेस नहीं हुआ है, उनका विवाह भी हो जाता है तो वो उनका सफल नहीं हो पाता है। इसलिए जब भी आप अकेले महसूस कर रहे हैं, अपने माँ बाप को याद कीजिए, फैमिली को याद कीजिए, उनका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। लेकिन आपको जो भी गोल आप सोच रहे हैं उनको पाने के लिए आप जद्दोजहद के साथ मेहनत कर डालिए, तब अच्छा रहेंगे आप। आप तो अकेले हैं, जब आपके पास पैसे होंगे जो आप मेहनत कर रहे हैं आज, और समय का जो आप महत्व समझ रहे हैं आज, वो आने वाले समय में क्या योगदान देगी आप सपने में भी सोच नहीं सकते हैं। भले ही आज बहुत सारा मेहनत करने पड़ रहा है, लेकिन जो आज कपल है, जो लोग दोस्ती यारी कर रही है या कर रहा है, उनको देखिएगा 5 साल के बाद, और आप 5 साल के बाद देखिएगा जो आप अकेले हैं, आपके पास दोस्ती यारी नहीं है, मतलब गर्लफ्रेंड नहीं है, तो मैच करवाइएगा दोनों को, तो आपका लाइफ बेहतर होगा। भले ही 3 साल 2 साल जो आप कड़ी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं उनका फायदा फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होने वाला है और आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन जो अभी कपल है जो मस्ती कर रहा है, पार्क में घूम रही है, घूम रहा है, उन लोगों को सिर्फ बेहतर हो जाएगा। आप जब शादी करेंगे तो आपके पास अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। इसलिए हमेशा बोलते हैं हम, पैसों को फॉलो करो, लड़की अपने आप फॉलो होगी, लड़की अपने आप फॉलो करेगी। इसलिए हमेशा अपने करियर को लेकर अवेयरनेस जगाए रखें, उसको खरे उतरने की कोशिश करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमेशा इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, बहुत सारे स्नैपचैट पे हमेशा लड़की को खोजते रहता है, उनको स्क्रॉल करते रहता है, कौन सी अच्छी लड़की है उनको फॉलो करते रहता है, उनको मैसेज करते रहता है। ये सब समय को बर्बाद करने वाला नष्टकारी है। उसको आप जो आप ये सब हरकतें कर रहे हैं उनसे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप अपना जो गोल सोचे हैं उनसे भटक गए हैं। ऐसा अगर चलता रहेगा तो आप जरूर असफल हो जाएंगे। अगर सफल होना है तो ये सब गंदी आदत आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि हमेशा रील्स वीडियो देखते रहेंगे घंटों भर,
पता ही नहीं चलेगा। अब तो ऐसा फंक्शन हो चुका है कि आप जो भी सोशल मीडिया का यूज करते हैं, आप स्क्रॉल जितना कीजिए उतना आपको पोस्ट मिलते जाएगा, आप देखते रहेंगे, और जब 2 घंटा 3 घंटा बर्बाद हो जाएगा फिर आपको एहसास भी नहीं होगा, क्योंकि आप उसके चपेट में आ गए हैं, उनकी एडिक्शन में आ गए हैं, उनके हैबिचुअल में आ गए हैं। इसलिए इन सबसे दूर रहिए, इन सबसे बाहर निकलने की कोशिश करिए। आज हमारे पास टेक्नोलॉजिकल है, मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, इन सब का सही इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन युवा लोग, मैक्सिमम लोग, 80%+ लोग गलत यूज कर रहे हैं और अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, अपना करियर चौपट कर रहे हैं। इसलिए इन सब से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर पाइएगा। जो आप सपने में सोचे हैं कि हम बंगला लेंगे, गाड़ी लेंगे, ये सब सत कर पाइएगा, सच कर पाइएगा। इसलिए अपने गोल पर फोकस करते रहिए, जरूर सफलता प्राप्त कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि हम गोल तो सोच रहे हैं, गोल तो सोच लिए हैं, लेकिन उसको कैसे करना है वो नहीं कर पा रहे हैं, बस सोच नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखे। तो हम ऐसे लोगों को कहना चाहेंगे, जो भी सोचे हैं पहले पेन और पेपर लीजिए और लिखिए, जो भी आप समय यूज कर रहे हैं, जैसे पास्ट टाइम में कल हम क्या किए, उन सब के बारे में बनाइए लिस्ट कि हम इतने घंटा हम क्या किए और उनसे जो आउटपुट मिला वो आउटपुट क्या था। अगर ये सोचने लगेंगे तो आज का जो समय है उसको अच्छे से ढंग से यूज कर पाइएगा, फिर पता चलेगा कि हम जो गोल को सोच रहे हैं उसको प्राप्त करना के लिए हमको क्या मेजरमेंट है। उन सबको अगर ध्यान में रखते हुए मेहनत करिएगा तो पता चलेगा कि हमको कहाँ पर मेहनत करनी चाहिए और कहाँ पर नहीं मेहनत करनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गोल्फ को टारगेट करने के लिए अपना समय को काउंट नहीं करते हैं। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा, आप पेन पेपर हमेशा साथ में रखें और हर दिनचर्या लिखते रहें। देखिएगा, ऐसा आदत अगर 21 दिन कर लेते हैं तो जानते ही हैं, एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, 21 दिन तक आप करते रहेंगे तो आपको आदत में बदल जाएगी, फिर समय का आप इस्तेमाल अच्छे से करने लगेंगे, फिर पता चलेगा कहाँ पर हमको कमी थी और कहाँ हमको कमी नहीं थी, फिर उस कमियों को आप दूर करते चलिएगा, फिर पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे कर लिए दूसरे से। दूसरे से तब अच्छे कर पाएंगे जब आप इस तरह के टेक्निक इस्तेमाल कर पाइएगा। तो मैं हमेशा आशा करता हूँ आपसे इस तरह का जो भी टेक्निक है उसको फॉलो करते रहिए, आप जरूर कामयाबी की राह पर पहुँचिएगा और सफलता आपको मिलेगी। और दूसरी बात पेशेंस। पेशेंस ये होता है कि लगातार आदमी मेहनत कर रहा है, मेहनत करता है, लेकिन उसको असफलता का सामना करना पड़ता है। ऐसा इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग हमारे पास आए, वो बोल रहे थे कि मैंने 25-50 इंटरव्यू दिए बहुत सारी कंपनी में, लेकिन हम वहाँ सफल नहीं हो पाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए, वो बोल रहे हैं कि हमारे जो एग्ज़ाम हम देते हैं तो उनमें हम सफल नहीं पाते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन तैयारी कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा कि देखिए, पहले जो प्लानिंग की हो उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो, और सबसे अहम बात, जो भी आप टारगेट कर रहे हो उस बहुत सारे टारगेट आप कर लेते हो, यही तो गलती करते हैं आप। पहले एक टारगेट करना पड़ेगा और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा अपने लाइफ में। जो आप टारगेट करते हो, एक कंपनी को टारगेट करो, उस कंपनी में क्या पूछा जा रहा है, हर तरफ से नॉलेज इकट्ठा करो, एक्सपीरियंस लो, जो भी फॉर्मर एम्प्लॉय है, जो भी काम कर रहे हैं, उन सब से बात करने की कोशिश करो और उनके बारे में जानो, उन कंपनी के बारे में जानो कि कंपनी का जो एचआर है, वो जो रिक्रूट कर रही है, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। उस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत सारा लिख देना पड़ेगा कागज पे। आपको तो एक्सपीरियंस होगा ही, बहुत बार असफल हुए हैं तो कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया, किस तरह की कंपनी में, उसका लिस्ट बनाइए, फिर उसी अनुसार आपको तैयारी करने की कोशिश कीजिए। मैंने ऐसे छात्र को भी देखा है कि बहुत सारे गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन एक भी गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन नहीं निकला। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का सोच लिया कि हमको इस एग्जाम को हम अपीयर होना है, लेकिन वो कंफ्यूज हो गया,
वो सिलेबस को कंप्लीट ही नहीं कर पाया अगर वो एक एग्ज़ाम को लेकर आगे बढ़ता कि हमको इसी में हमको जीत चाहिए, तो वो सिलेबस को देखता, पैटर्न को देखता, फिर फॉलो करता कि हमको क्या कमी थी और कैसे कमी को दूर करना था, तभी वो सफलता पा सकता था। और ऐसा अगर सोच लेता तो ज़रूर सफलता उसको मिलती। तो इसलिए हमेशा इस तरह का सोचें, जरूर आप कामयाब होइएगा। ऐसे वीडियो अगर आप चाहते हैं तो नीचे में लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले वीडियो ऐसा ही आपको हमेशा मोटिवेट करते रहे। धन्यवाद।